इस तरह का लोगो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले हम पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, बस आइकन को सिलेक्ट करेंगे, फिर शेप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, रेडिएशन को 100% कर देंगे, फिर कुछ इस प्रकार से हम सर्कल को सेंटर में ले जाएंगे, फिर यहाँ पर सर्कल को हम ब्लैक कलर दे देंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर हेक्सागन ऑप्शन को सिलेक्ट करके सर्कल को कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पर एडिट ऑप्शन में जाके सर्कल को वाइट कलर दे देना है, यहाँ पर वाइट कलर हमने फिल कर दिया है। फिर सर्कल को कुछ इस तरह से हम सेंटर में ला के कुछ इस तरह से हम फिट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, फिर से हम प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर से शेप लेंगे और फिर से यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन में जाके ट्रायंगल शेप को चूज कर लेंगे, फिर यहाँ पर उसको ब्लैक कलर दे देंगे, फिर यहाँ पर उस ट्रायंगल शेप को कुछ इस तरह से छोटा सा कर लेंगे, फिर यहाँ से हम उसको सेंटर में ले जाएंगे, फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर ट्रायंगल शेप की कॉपी कर लेंगे, फिर उसे कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे, फिर से कॉपी करेंगे, फिर से कुछ इस प्रकार से हम उसे सेट कर लेंगे। तो हम कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे परफेक्टली, तो आप देख सकते हो। फिर से प्लस आइकॉन पे जाना है, फिर से शेप ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार से शेप को एडजस्ट करके कुछ इस प्रकार से हमको छोटा सा करके ओके पर क्लिक कर देना है, फिर शेप को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। तो हम पहले कर लेते हैं सेट, फिर हमको इस शेप को कॉपी कर लेना है कुछ इस प्रकार से, फिर इस शेप को कुछ इस तरह से रोटेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करके 120 डिग्री पर सिलेक्ट कर देना है, फिर कुछ इस प्रकार से हमको ट्रायंगल के बीच में शेप को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, फिर इस शेप को फिर से कॉपी करना है, तो कुछ इस प्रकार से कॉपी करके हमें इसको सेंटर में ले आना है, फिर यहाँ पर उसको भी रोटेशन देना है, उसके लिए रोटेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर 60 डिग्री पर हमको इसको सिलेक्ट करना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर हमको उसको सेंटर में ले जाना है, कुछ इस प्रकार से हम परफेक्टली सेट कर लेंगे। वाइट सर्कल वाले लेयर को कुछ इस प्रकार से ऊपर ले जाना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है, फिर यहाँ पर ट्रायंगल शेप को कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेते हैं, फिर लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर सिलेक्शन पर जाना है, फिर सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर मर्ज वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है, फिर इरेज कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इनेबल करना है, फिर टॉलरेंस को 70 कर देना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है, फिर इस लेयर को कुछ इस प्रकार से लॉक कर देना है, फिर से प्लस आइकॉन सिलेक्ट करना है, फिर से शेप वाले ऑप्शन पर चले जाना है, फिर ट्रायंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर ट्रायंगल शेप को कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है जितना बड़ा हो सके उतना करना है, फिर यहाँ पर उसको कुछ इस प्रकार से हम ब्लैक कलर दे देंगे, तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं, फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, ट्रायंगल शेप को कुछ इस प्रकार से रोटेशन दे देंगे, फिर यहाँ पर सेंटर में लाएंगे, फिर से हमें प्लस आइकॉन पर चले जाना है, फिर शेप वाले ऑप्शन पर चले जाना है, फिर यहाँ पर स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे, ट्रायंगल शेप को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे हम, फिर स्क्वायर वाले शेप को सिलेक्ट करके उसको कॉपी करना है, तो हम कॉपी कर लेते हैं, फिर दोनों शेप को कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर से हमें प्लस आइकॉन पर सिलेक्ट करना है, फिर से शेप वाले ऑप्शन पर जाके कुछ इस प्रकार से हम रेक्टेंगल शेप बना लेना है, फिर कुछ इस प्रकार से बना लेना है, तो यहाँ पर हमने बना लिया है, फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर उसको सेंटर में ले जाना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है, फिर से हमको रेक्टेंगल शेप लेना है कुछ इस प्रकार से,
फिर इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है, फिर रेक्टेंगल शेप की कॉपी कर लेनी है, फिर इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। फिर से हमको प्लस आइकॉन पर जाना है, शेप वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर शेप को कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करके उसको ब्लैक कलर दे देना है, फिर कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। फिर हमको रोटेशन वाले ऑप्शन पर चले जाना है, फिर 60 डिग्री हमको सिलेक्ट करना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है, फिर शेप को कुछ इस प्रकार से हमको सेट कर लेना है, फिर से उसकी एक कॉपी कर लेनी है, फिर इस कॉपी को कुछ इस प्रकार से लाना है, फिर इसको रोटेशन पर जाके कुछ इस प्रकार से -60 करके कुछ इस प्रकार से हमको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर हमको लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर लास्ट वाले लेयर को छोड़ के सभी लेयर को हमको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मर्ज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर हमको इरेज कलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इनेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर टॉलरेंस वैल्यू को 70 करके ओके पर क्लिक कर देना है और लेयर को लॉक कर देना है। फिर यहाँ पर प्लस आइकॉन पर जाके शेप वाले ऑप्शन पर जाके कुछ इस प्रकार से हमको ट्रायंगल शेप को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है और ओपेसिटी 42 कर लेनी है, उससे पता चले कि हमको यहाँ पर कैसे सेट करना है। फिर से ओपेसिटी को 100 करके ओके पर क्लिक कर देना है, फिर से हमको एक शेप लेना है, फिर से ओपेसिटी हम 40 कर लेंगे, फिर से यहाँ पर इस शेप को कुछ इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ओपेसिटी को हम फिर से 100 कर लेंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर हम सेंटर बन ले जाएंगे शेप को, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और NH वाले लेयर को हाइड करके सभी लेयर को सिलेक्ट करके उसको मर्ज कर देंगे। फिर हम इरेज कलर ऑप्शन पर चले जाएंगे, फिर उसको इनेबल करके टॉलरेंस 70 करके ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर लेयर को अनहाइड करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर दोनों को सिलेक्ट करके उस लेयर को मर्ज कर लेंगे। फिर इस लोगो को टेक्सचर देने के लिए टेक्सचर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करके हम इस प्रकार का टेक्सचर सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको इनेबल करके ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर हमें लास्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, फिर इमेज वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से हमको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है, कुछ इस प्रकार से लोगो को यहाँ पर सेंटर में सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें 3D शेप वाले ऑप्शन पर चले जाना है, फिर यहाँ पर इनेबल कर लेना है, फिर यहाँ पर लास्ट में चले आना है, फिर सिम्युलेट लाइटिंग को अनेबल कर देना है, फिर डार्केंड को 41 तक बढ़ा लेना है, फिर यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और डेप्थ 2% वैल्यू दे देनी है, फिर यहाँ पर ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है, कुछ इस प्रकार से ग्रेडियंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम सभी वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर चले जाना है, पर उसको इनेबल करके फिर यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ को 1 वैल्यू करना है, फिर ब्लैक कलर्स चूज कर लेना है, फिर इसकी ओपेसिटी कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। फिर हमें इनर शेडो पर चले जाना है, फिर इनेबल करना है, फिर यहाँ पर वाइट कलर चूज करके ओके पर क्लिक कर देना है, फिर हमें शेडो ऑप्शन पर चले जाना है, इनेबल करना है, फिर यहाँ पर हमें एक्स वैल्यू 5 कर देनी है और वाई वैल्यू भी 5 कर लेनी है, फिर यहाँ पर ब्लर हमको 13 रखना है, फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर फुल स्क्रीन करके हम उसको फुल साइज में देख सकते हैं।